और साथ ही जो है संस्कृत हिंदी विभाग और एसटीएससी सेंटर जो हैं एसटी कॉलेज के, उनके द्वारा ये एक संक्षिप्त सा जो श्रद्धांजलि समारोह है वो पंडित जसराज जी के सम्मान में हम आज आयोजित कर रहे हैं। शीघ्रता में किया गया ये कार्य जो है वो पूरी तरह से सभी को सूचना देना वो संभव नहीं था, लेकिन ये अवसर ऐसा है जहाँ पर थोड़े से भी लोग अगर जुड़ते हैं तो उनकी संवेदनाएं बहुत महत्व रखती हैं, उनकी भावनाएं बहुत इस कार्य में महत्व की हैं। पंडित जसराज जी आप सभी परिचित हैं कि जितना विशाल उनका व्यक्तित्व है और जितनी उनकी उपलब्धियां हैं और जो उनके ऊपर सरस्वती की कृपा रही है वो अपने आप में अद्भुत है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रकृति और चेतना की जो है वो सामूहिक रूप से जो है कृपा होती है और फिर उनकी अभिव्यक्तियाँ सारे समाज को सारी मनुष्यता को उपलब्ध होती हैं। बहुत संक्षेप में मैं कुछ एक चीज़ें उनके बारे में बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर परमजीत जी से कि वो पंडित जी के बारे में और डॉक्टर मधु जी से भी कि वो फिर इनके बारे में अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करेंगी, अपनी अभिव्यक्त करेंगी। बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए कि 28 जनवरी सन 1930 में इनका जन्म हुआ था और 17 अगस्त को उनका देहावसान हुआ है, वो पूरे हुए हैं। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं और इनका संबंध मेवात घराने से रहा है और 4 वर्ष की उम्र में ही जब इनके पिता पंडित मोतीराम जी का देहावसान हो गया था तो बड़े भाई जो पंडित मणिराम थे उनके संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। बड़ी सुखद बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल जो एसोसिएशन रही है, उन्होंने एक जो नया ग्रह खोजा था उस ग्रह का नाम जो है वो पंडित जसराज जी के नाम पर दिया, पंडित जसराज उस ग्रह का नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है और ये अनुकूल भी है कि ऐसे व्यक्ति के विशाल व्यक्तित्व के अनुकूल उनको सम्मानित और स्वीकृति प्रदान करना। पंडित जसराज जी ने संगीत की दुनिया में 80 से अधिक वर्ष जो हैं वो बिताए हैं और उन्होंने कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए हैं जिनमें से पद्म भूषण से वो सम्मानित हुए हैं और उसके अतिरिक्त सुमित्रा चरितराम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, स्वाति संगीता पुरस्कारम, पद्म विभूषण संगीत और पद्मश्री, संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आदि आदि बहुत लंबी लिस्ट इस विषय में उनकी हमें देखने को मिलती है। लेकिन उससे भी अधिक जो व्यवहार के स्तर पर जो हमें उनके प्रदर्शन देखने को मिलता है, अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती हैं, वो शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय स्वरों के प्रदर्शन में उनके देखने को हमें प्रारूप देखने को मिलता है और वो जो प्रारूप है वो कई तरह की एल्बम्स में और फिल्म साउंडट्रैक के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। पंडित जसराज जी ने भारत, कनाडा और अमेरिका में भी संगीत सिखाया है, उनके स्कूल रहे हैं और उनके बहुत सारे जो शिष्य हैं वो उल्लेखनीय संगीतकार भी रहे हैं। परिवार, उनका जन्म बड़े महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक गर्व की बात है हम सभी हरियाणा वासियों के लिए कि उनका जन्म हिसार में हुआ था और उनकी पत्नी मधु जसराज और पुत्र जो है वो सारंगदेव और पुत्री दुर्गा हैं और जो ये पत्नी मधु जसराज हैं ये उनकी बेटी वी शांताराम की बेटी थी जो बड़े प्रसिद्ध अपने समय के फिल्मकार रहे हैं और दो आंखें 12 हाथ जैसी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में उन्होंने बनाई हैं। बहुत तरह की उन्होंने लोगों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण लिया है, आप सभी जानते हैं
और आरंभ जो उन्होंने किया था वो तबला संगतकार के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था अपने बड़े भाई प्रताप नारायण से। और फिर साथ साथ जो है उन पंडित मनीराम जी के साथ वो एकल गायन प्रदर्शन में अक्सर शामिल होते थे। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने जो वोकल में जब अपना प्रवेश किया है तो बेगम अख्तर द्वारा प्रेरित होकर के इन्होंने इस वोकल संगीत में जो है उसमें प्रवेश किया है। और 14 वर्ष की उम्र से इन्होंने गायक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ किया। और 22 साल की उम्र में आकर के इन्होंने सबसे पहला अपना स्टेज कंसर्ट जो है एकल जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया, और उसके बाद फिर कभी पीछे लौट करके नहीं देखा। हालांकि इनकी जो तकनीक और शैली के बारे में जब अगर बात करते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व के, तो मेवाती घराने से ताल्लुक अवश्य रखते हैं, और जो ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ लचीलेपन के साथ उसमें ठुमरी हल्की शैलियों के तत्वों को जोड़ा, और अनेक प्रकार के घरानों की जो तत्व थे उनको इसमें शामिल किया, जिसके लिए इनकी कुछ आलोचना भी की गई, लेकिन उनकी प्रतिभा के आगे और उनकी क्रिएटिविटी के आगे, रचनाधर्मिता के आगे वो सारी की सारी जो बातें थी, सारी आलोचनाएं वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गईं। इन्होंने जुगलबंदी का एक उपन्यास रूप भी तैयार किया जिसे जसरंगी कहते हैं, जिसे मूर्छना की प्राचीन प्रणाली की शैली में किया गया है, जिसका मतलब है कि एक पुरुष और एक महिला गायक होते हैं जो समय समय पर अलग अलग राग प्रस्तुत करते हैं। और इसके साथ साथ तो उन्होंने कई प्रकार के दुर्लभ रागों को प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि पूरी परंपरा को जो है उन्होंने बचाने की और उसे सुरक्षित रखने के लिए और उसे सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए पूरा अपना प्रयास किया। और साथ ही साथ इन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को भी लोकप्रिय बनाने का जो काम किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें से विशेष रूप से हवेली संगीत और मंदिरों में जो अर्धशास्त्रीय प्रदर्शन होते थे उसमें भी ये चीज़ें रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने संक्षेप में आप लोगों के साथ उनकी उपलब्धियाँ, उनकी रचनाधर्मिता, उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता जो है वो मैंने आप लोगों के साथ साझी की हैं। मैंने स्वयं उनको 2-3 बार पूरा जो लाइव है उनको सुना है, और संगीत विभाग का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा कि उनकी वजह से ही पंडित जी जो हैं हमारे कॉलेज में भी उनका एक जो प्रदर्शन रहा है वो देखने और सुनने को हमें मिला है रात के समय, और कितने घंटे निरंतर उन्होंने गाया ये हमारे लिए एक उपलब्धि रही है। इसके अतिरिक्त मैंने उनको जो है चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पे सुना, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि ऐसे विशेष लोगों को जब आप सुनते हैं तो वो आपकी चेतना का विस्तार भी करते हैं, आपके अनुभवों को एक नई दिशा भी देते हैं, एक आप में उत्सुकता का अनुभव भी कराते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का एक अनुभव, आध्यात्मिकता का जो अनुभव है वो ऐसे लोगों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो इस ही संक्षिप्त परिचय के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि संस्कृत विभाग की ओर से इस महान व्यक्ति के लिए अर्पित करता हूँ, और साथ ही साथ जो है वो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर परमजीत कौर जी को, जो अध्यक्षा हैं संगीत विभाग की इंस्ट्रूमेंटल की, उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने जो डिपार्टमेंट की ओर से श्रद्धांजलि सुमन जो है वो अर्पित करें। नमस्कार सर। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं आपको? ओके सर, ठीक। नमस्कार, मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अध्यापकगण और संगीत प्रेमी सभी को सादर नमन करती हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।
वैसे तो सर आपने बहुत कुछ उनके बारे में बता दिया है, और फिर भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं कि जी उनकी जी लिए जो भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से मैं अपने विभाग की ओर से कॉलेज की ओर से मैं अर्पित कर सकूँ। जैसा कि हम जानते हैं पंडित जसराज जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, कला को भक्ति रस के अचूक तत्व के साथ ख्याल में पिरोकर एक चुनिंदा सेट के दुर्लभ संगम से परे ले जाने के लिए याद किए जाएंगे। सोवर को कार्डियक अरेस्ट के बाद अमेरिका में उनका निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। 28 जनवरी 1920 को जन्मे। जहां तक मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्ञात हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से थे। मेवाती घराने से उनका संबंध था। ख्याल में भक्ति गायन का एक तत्व लाना, उनका एक शास्त्रीय संगीत से जुड़ना और उसकी में ख्याति प्राप्त करना, ये उनके विशेष गुण रहे हैं। भक्ति तत्व ने उस समय जन्म लिया जब उसने उनसे अपने पिता को देखा जो एक दरबारी संगीतकार थे जो रोज सुबह 3 बजे गाते थे। लेकिन यह उनका रियासत गुजरात रियासत के आध्यात्मिक गुरु महाराणा जयवंत सिंह के साथ उनका जुड़ाव था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि भक्ति के चमत्कार एक बार ऐसे होते हैं। एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किया कि उनके बड़े भाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। यह कहा जाता है कि महाराणा के बाद माँ दुर्गा के एक भक्त ने उन्हें माता काली के बना दिया। ऐसे ही उन्होंने कई कहा कि मैंने से कई चमत्कारों को करीब से देखा कि इसने मुझे उस विश्वास से भर दिया कि सर्वशक्तिमान आपका हाथ पकड़ता है और आपको उस मार्ग तक ले जाता है जिसे आप बना रहे हैं। इसके बिना भी आपको इसका एहसास नहीं होता। पंडित जसराज ने एक बार एक बातचीत में द हिंदू में बताया कि शायद माँ दुर्गा के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी उनकी वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखा, उनकी बेटी दुर्गा जसराज। पद्म विभूषण अवार्डी भी हवेली संगीत के एक मास्टर थे। अपनी यात्रा और समृद्ध इतिहास के बारे में घंटों तक बोल सकते थे। हवेली संगीत में भी इनकी महारता हासिल थी। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से शादी की। अक्सर अपने ससुर से उनकी बातचीत के बारे में बात करते थे जिन्होंने कई शास्त्रीय संगीत और नृत्य आधारित फिल्में बनाई और जिसने मुझे हमेशा अपनी आवाज से स्पष्टता लाने के लिए प्रेरित किया। एक साक्षात्कार में मधुरा को याद आया कि जब उनकी शादी हुई थी तो पंडित जसराज कभी कभी 3 बजे उठते थे और उन्हें एक बंदिश को नोट करने के लिए कहते थे। उनके शिव के प्रति उनकी भक्ति थी, मुझे समायोजित करने में समय लगा, ऐसा उन्होंने कहा। पंडित जी उन दुर्लभ शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे जिन्हें अपने ज्ञान को साझा करना बहुत पसंद था। वे वायलिन वादक कला रामनाथ और गायक संजीव अभ्यंकर इनके शिष्य के रूप में विशाल कोष को दर्शाते हैं और वो इनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। उनके पास लोकप्रिय और दुर्लभ रागों दोनों के साथ खेलने की उनमें क्षमता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से अपने विभाग की ओर से पंडित जसराज जी के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये हमेशा हमें याद रहेगा और संगीत जगत में उनकी कमी हमेशा चलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत संक्षेप और सारपूर्ण तरीके से आपने उनके प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वो प्रशंसा के योग्य है और ये उचित भी है कि हम लोग ऐसे महान व्यक्तित्व की उपलब्धियों को आज एक्नॉलेज भी करें और उसको मान्यता प्रदान करें। जी जी मैम, मैं इसी
मन से। मैं ये भी कहना चाहूंगी सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये आपकी वजह से आज हम उनको अपनी अपनी पर बैठकर याद कर रहे हैं और हमेशा उनको याद रखेंगे। ये वक्त आपने जो हमें दिया है ये भी हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मेरा धन्यवाद की बात नहीं है, ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य भी है कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसी जो चेतना जहाँ पर जिस शरीर में चेतना उतरती है उसको हम स्वीकार करें, उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि अगर हमें भविष्य की दिशा निर्धारित करनी है, अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा भी लेनी है और मार्गदर्शन भी लेना है। इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर मधु शर्मा जी जो अध्यक्षा हैं म्यूजिक विभाग वोकल की, उनको आमंत्रित करूं, एक मैं उनकी ओपिनियन जो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था एक प्रश्न के उत्तर में, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। उनसे ये पूछा गया था कि स्कूलों में क्या क्लासिकल म्यूजिक को पढ़ाया जाना चाहिए आवश्यक रूप से, तो बड़े फर्मली उनका ये उत्तर था और आप लोग सुन के उनको लगेगा कि कितनी कमिटमेंट थी देश और समाज के लिए उनकी। सर्टनली इट इज़ नेसेसरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट ओनली डिवाइन बट ऑल्सो हैज द क्वालिटी टू रिलैक्स एंड कंडीशन योर माइंड एंड बॉडी फॉर ए हारमोनियस एंड हेल्दी लाइफ। These days, children go through a lot of strain and stress, which is not healthy. But music needs the devotion, which is not everyone's cup of tea. इस तरह से वो चाहते थे कि बच्चों में और स्कूलों में ये चीज़ें आएं और बच्चों को हम म्यूज़िक के माध्यम से उनकी चेतना का संस्कार करें। और ये बात तो मैंने प्रत्यक्ष भी उनकी देखी कि जब श्रोता यही चंदी ये जो हमारे कॉलेज का हॉल है, इस हॉल में मैंने जब उनको देखा था रात सुना, तो एक व्यक्ति जो अपनी टांगों को ज़रा खोल के, क्योंकि श्रोता सावधान नहीं होते, वो रिलैक्स हो जाते हैं सुनते हुए, तो उसको भी उन्होंने टोक दिया था कि देखो जब मैं सावधान होकर के गा रहा हूँ तो श्रोता का भी ये दायित्व बनता है कि वो सावधान होकर के सुने, क्योंकि श्रोता और गाने वाला दोनों ही संगीत की आराधना और साधना कर रहे हैं। इसलिए शरीर को ऐसे ढीला मत छोड़ो कि तुम कोई म्यूजिक हॉल में किसी हॉल में इस तरह से बैठे हो, सिनेमा हॉल में, ये ऐसा नहीं है, ये साधना है। तो मुझे उसी दिन लगा कि ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श अवश्य किए जाने चाहिए जो अपने एक एक ध्वनि को, एक एक शब्द को जो है वो साधना के रूप में देखता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी श्रद्धांजलि, अपने विभाग की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मधु शर्मा जी। सभी विद्वानों को मेरा हृदय तल से नमस्कार। सर इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपसे बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, क्योंकि कल से जब से हमने ये उनका समाचार सुना है, सच में हम बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित रही हूँ। मैंने सबसे पहले पंडित जसराज को एमए में मैं थी जब मैंने उन्हें सबसे पहले कहीं किसी ने मुझे कैसेट दी और मैंने उनका गाना सुना, तब सच बताऊँ मैं नहीं जानती थी कि ये कौन गा रहा है, किसकी गायकी है, क्या है। बस जो उनकी आवाज़ थी और जो उनका गायकी का एक ढंग था, उस ढंग ने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि मैंने जानना चाहा ये किसकी आवाज़ है। तो मैंने अपने गुरुजी को, जो पंडित सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी हैं, उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाई, कैसेट थी रादर, कैसेट सुनाई कि सर ये किसकी आवाज़ है, ये इतना मीठा इनका आवाज़ का जो टेक्सचर था। उनको जैसा आप सभी जानते होंगे, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता था केवल उनकी आवाज की मधुरता के लिए जी। तो वो सर ने फिर मुझे पंडित जी से अवगत कराया कि ये पंडित जसराज की आवाज है और मेवाती घराना, जो मेवाती घराना जिसका पूरा नाम जयपुर मेवाती घराना कहते है और हम इसको मेवाती घराना के नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो सर ने ये बताया कि इनकी गायकी अलग कैसे है। फिर मेरी रुचि फिर इनके लिए बहुत बढ़ती रही और जब मुझे पता चला कि ये हवेली परंपरा को, जैसा कि अभी सर आपने बताया,
हवेली परंपरा का जो है ये गीत गान प्रस्तुत करते थे। फिर मैंने इसको भी सर्च किया कि ये क्या, कि हवेली परंपरा मतलब क्या गा रहे हैं ये, तो फिर देखा कि जो पुष्टि मार्गीय संगीत परंपरा रही है हमारी भक्ति परंपरा, उससे जो जुड़ा हुआ हवेली परंपरा का गायन था वो ये गाते थे। उसमें हवेली परंपरा में भगवान श्री कृष्ण की आराधना के ही जो गीत प्रस्तुत किए जाते थे, जो कि ध्रुपद से, ध्रुपद और लोक गायकी ये दोनों को मिलकर कुछ एक मिक्सचर इसका उन्होंने बनाया हुआ था, जो कि हवेली परंपरा को ये प्रस्तुत करते थे पंडित जी। अगर आपने इनके कभी रिकॉर्ड सुने हो तो जब ये कोई भी राग की प्रस्तुति देते थे जो अपने मेवाती घराना को रिप्रेजेंट करते हुए, उसकी जब ये प्रारंभ करते थे तो ओम हरि विष्णु और मंगलाचरण जो शब्द थे उनके साथ, मंगलम भगवान विष्णु भगवान जी जी जी, जो ये है ये इनका, ये इसका इनका जो पार्ट था ये हवेली परंपरा को ये रिप्रेजेंट करते थे। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत और, आप मैम ने, परमजीत मैम ने और आपने बहुत कुछ बता दिया, पर जो मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ा, जैसे मैम ने बताया कि ये दुर्गा के डिवोटी थे और उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखा, तो उसी दौरान मैंने ये इनके बारे में पढ़ा कि ये डिवोटी क्यों हुए। ये अपने बड़े भाई से संगीत की शिक्षा ले रहे थे और जो इनकी आवाज थी, जैसे जब लड़के 15-16 साल की एज तक जाते हैं वो आवाज वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम आती है तो चेंज होता है कुछ, वो हार्मोन चेंजेस की वजह से थोड़ा जो चेंज हो जाता है वॉइस में, तो उस समय में इनकी आवाज बिल्कुल, जो वर्ड लिखा था घेंगे, जब बहुत भारी आवाज और रस खत्म हो गया उसमें, बिल्कुल ऐसी हो गई थी इनकी आवाज जो मतलब प्रस्तुति लायक क्या, वो रियाज भी नहीं कर पाते थे उस टाइम, ऐसी आवाज हो गई थी। तो इनके बड़े भाई ने उस समय इन्हें कहा, मतलब इन्होंने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी उस समय कि ये संगीत के लिए आगे जा पाएंगे, जैसा मैंने इनके बारे में ये पढ़ा। तो ये माँ दुर्गा के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में इन्होंने सा का रियाज शुरू किया और धीरे 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 वहां पे साधना करते हुए फिर हम जो रिजल्ट था वो पूरे विश्व ने देखा, हमने देखा कि उनकी आवाज किस तरह से रसराज के रूप में हमारे सामने आई। तो ये अपना जो गाना था वो पूरी तरह से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानते थे, इसलिए ही माँ दुर्गा के डिवोटी होने की वजह से इन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी माँ दुर्गा रखा। और इनकी शिष्य परंपरा में जैसे आपने बताया संजीव अभ्यंकर जी, अगर आप उनको सुनेंगे तो वो बिल्कुल आपको, जिन्होंने पंडित जसराज को सुना है और अगर वो पहली बार पंडित अभ्यंकर को सुनेंगे तो वो अपने आप कहेंगे ये तो पंडित जसराज का गाना है। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा साधा है अपने गुरुजी को कि उनका वॉइस का टेक्सचर भी सेम वही है जो पंडित जसराज का है। तो ये एक ऐसी लॉस है, ऐसी हानि है संगीत जगत की, जो मैं शब्दों में, मेरे पास शब्द, मेरा शब्द कोश ही खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम कहें कि ख्याल गायन को हमारे शास्त्रीय जितने गायक थे उन्होंने उसको बढ़ाया, पर पंडित जी ने उसको अध्यात्म से, उसको प्रभु से जोड़े रखा जी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इनकी प्रस्तुति से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है, तो इनका जो स्टाइल था उन्होंने उसी स्टाइल में गाया। वही जैसे आप लोगों ने बताया कि शुरू में आलोचना हुई, पर जो इन्होंने अपना स्टाइल वो पकड़े रखा, उसको जमाए रखा, अपने शिष्य तैयार किए और वो अब हम सब सुनते हैं और हम सब भाव विभोर होते हैं।